हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और स्पेशल टाइप के स्टोरेज डिवाइस की, जिसको बोलते हैं मेमोरी स्टिक। देखिए, मेमोरी स्टिक क्या होता है बेसिकली, ये क्या है? अगर हम इसको जेनेरिकली बात कर रहे हैं तो जेनेरिकली तो ये आपका यूएसबी बेस्ड फ्लैश मेमोरी ड्राइव है। ठीक है, फ्लैश ड्राइव क्या होती है ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी जेनरिकली यूएसबी बेस्ड फ्लैश मेमोरी ड्राइव होती है। ठीक है, इसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जाइंट कंपनी है सोनी, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसने डिजिटल स्टोरेज के लिए डेवलप किया था, फॉर डिजिटल स्टोरेज। ठीक है, और जनरली सॉरी, जनरली डिजिटल स्टोरेज कहाँ पे? कैमराज में। ठीक है, जो डिजिटल कैमरा यूज होते हैं वहाँ पे। उसके बाद है आपका कैमकॉर्डर में। ठीक है, और नेक्स्ट अदर जो हैंडहेल्ड डिवाइसेस थी, अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हाथ में लेके यूज की जा सकती हैं, उनमें डिजिटल स्टोरेज के लिए सोनी ने इसको डेवलप किया था, मेमोरी स्टिक को। ठीक है, अच्छा, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका मार्केट में ईयर 1998 में। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट इन ईयर 1998। ठीक है, और उस समय जो इसकी कैपेसिटी थी वो थी 4 MB, 4 MB और 8 MB, इस कैपेसिटी के मेमोरी स्टिक डेवलप किए गए थे। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो सोनी कंपनी थी उसने फर्दर डिज़ाइन किया मेमोरी स्टिक को, किसके लिए? इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल होने के लिए। ठीक है, किस फॉर कैमरास। ठीक है, उसके बाद जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ब्लूटूथ मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल्स। ठीक है, तो फर्दर डेवलपमेंट करके सोनी ने इनके लिए भी मेमोरी स्टिक लेके आए, हालांकि ये ज़्यादा यूज नहीं हुए, देवर नॉट नॉट वाइडली यूज, नॉट वाइडली यूज। ठीक है, अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें कि स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं इसके, तो स्पेशल फीचर होते हैं, पहला तो क्या होता है कि इसका जो ट्रांसफ़र रेट था, डाटा ट्रांसफ़र करने का जो रेट था वो एवरेज था, एवरेज ट्रांसफ़र रेट ऑफ डेटा, यानी जो जो रीडिंग का रेट था, डाटा अगर से रीड करना है मेमोरी स्टिक से तो 2.45 MB पर सेकेंड था, और जो राइट करने की स्पीड थी, राइटिंग की, वो थी 1.5 MB पर सेकेंड। पहला तो ये था। सेकेंड क्या था कि जो पावर कंजम्पशन था इसका, पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन भी इसका ऑन एन एवरेज, जो एवरेज था वो था 45 mA। ठीक है, और स्टैंड बाई पे, अगर स्टैंड बाई मोड में है तो था इसका 130 μA। क्लियर, और जो थर्ड फीचर था मेमोरी स्टिक का वो ये था कि सिक्योर प्रोटेक्शन ऑफ कॉमर्शियल एंड कॉपीराइट कंटेंट। तो इसमें सिक्योर प्रोटेक्शन ऑफ कॉमर्शियल एंड कॉपीराइट कंटेंट, तो ये तीन स्पेशल फीचर थे मेमोरी स्टिक के। अब जो डिफरेंट तरह की मेमोरी स्टिक मार्केट में आई थी, तो उसको अगर हम ये लिखे कि मेमोरी स्टिक के डिफरेंट वर्जन, तो आप इसको लिख सकते हैं मेमोरी स्टिक वर्जन्स, जो डिफरेंट वर्जन इसके मार्केट में आए थे। जैसे पहला है आपका, तो पहला आप लिख सकते हैं प्रो सोनी मेमोरी डिस्क, प्रो सोनी मेमोरी स्टिक।
ठीक है, इसमें क्या था, प्रो इज द न्यू स्टैंडर्ड टू इलिमिनेट द 128 MB लिमिटेशन। ठीक है, तो जो प्रो था उसमें जो 128 MB स्टोरेज कैपेसिटी की जो लिमिटेशन थी वो दूर कर दी गई। ठीक, आज के डेट में जो मेमोरी स्टिक, जो प्रो मेमोरी स्टिक अवेलेबल है, अगर आज की डेट में हम बात करें कि प्रो मेमोरी स्टिक जो अवेलेबल है उसकी जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 1 GB तक है। ठीक है, टुडे ऑल 128 MB एंड अंडर कार्ड्स आर मेमोरी स्टिक वाइल ऑल लार्जर कार्ड्स आर मेमोरी स्टिक प्रो। तो अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो 128 MB तक, ठीक है, या 128 MB या उससे कम के जो भी कार्ड हैं वो मेमोरी स्टिक कहलाते हैं। ठीक, और उससे ज़्यादा के जो हैं, उससे जो ग्रेटर हैं वो कहलाते हैं प्रो प्रो मेमोरी स्टिक। ठीक है, तो एक तो ये वर्जन हो गया। अब सेकेंड वर्जन की हम लोग बात करें तो डुओ मेमोरी स्टिक, डुओ मेमोरी स्टिक। डुओ मेमोरी स्टिक में क्या होता है, डुओ एंड मेमोरी स्टिक प्रो डुओ आर बेसिकली स्मॉलर वर्जन्स ऑफ द मेमोरी स्टिक एंड मेमोरी स्टिक प्रो। यानी ये जो डुओ मेमोरी स्टिक होते हैं इसमें दो दो वर्जन है, जैसे आप एक तो हो गया आपका डुओ मेमोरी स्टिक और दूसरा हो गया प्रो डुओ मेमोरी स्टिक। ये दोनों क्या है, ये दोनों मेमोरी स्टिक और प्रो मेमोरी स्टिक के स्मॉलर वर्जन है, मेमोरी स्टिक के स्मॉलर वर्जन है। द डुओ हैज पिन टू पिन कॉम्पेटेबिलिटी विद इट्स ओल्डर एंड लार्जर मेमोरी स्टिक सिबलिंग। यानी जो डुओ वर्जन है वो बिल्कुल पिन टू पिन कॉम्पेटेबिलिटी रखता है मेमोरी स्टिक और प्रो मेमोरी स्टिक के अदर सिबलिंग से। और थर्ड जो मेमोरी स्टिक का वर्जन है वो कहलाता है मैजी गेट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैजी गेट। मैजी गेट क्या होता है, मैजी गेट इज सोनीज नेम फॉर डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट ए कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी एक कॉपी प्रोटेक्शन जो टेक्नोलॉजी थी जिसको सोनी ने डेवलप किया था उसको इन्होंने नाम दिया क्या, उसको नाम दिया इन्होंने मैजी गेट। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी किस लिए यूज होती थी, ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी डिजिटल राइट्स को मैनेज करने के लिए, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसके लिए ये टेक्नोलॉजी सोनी ने डेवलप किया था और इसको नाम दिया था मैजी गेट। क्लियर, इट एनक्रिप्ट्स द डेटा स्टोर्ड ऑन द कार्ड एंड एनफोर्सेस कंट्रोल ओवर हाउ द फाइल्स ऑन द कार्ड आर कॉपीड। मतलब इसमें ये टेक्नोलॉजी क्या करती थी कि कार्ड के ऊपर जो डेटा स्टोर है उसको एनक्रिप्ट करती थी। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सिंपली आप ये समझ लीजिए एनक्रिप्ट मतलब एक तरह से उसको उसकी कोडिंग कर देती थी। और जब इसको आप कॉपी करते थे, एंड एनफोर्सेस कंट्रोल ओवर हाउ द फाइल्स ऑन द कार्ड आर कॉपीड, कार्ड पे जो भी फाइलें हैं उनको कैसे कॉपी करना है उसका भी कंट्रोल इसके पास रहता था, मैजी गेट के पास। ये नहीं कि आप जैसे चाहे वैसे उसको कॉपी कर सके। फ्यू हार्डवेयर डिवाइसेस टेक एडवांटेज ऑफ मैजिक गेट टूडे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो आज की डेट में भी मैजिक गेट टेक्नोलॉजी का एडवांटेज उठा रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैजिक स्टिक्स एज वेल एज टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। पिछले हम लोगों ने 5-6 लेक्चर में करीब करीब सारे तरह की स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया, उसके बारे में जाना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अगर इन सारे स्टोरेज डिवाइसेस के रिगार्डिंग या आज के भी लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है, सजेशन है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और
अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।